आज मैं आपको फ्लावर डोर हैंगिंग बताने जा रही हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये डोर हैंगिंग जो बनाया है मैं उसे वॉइस के साथ बनाऊं, वॉइस के साथ बनाना बताऊं। अभी देखिए, जिसके लिए मैंने ये वायर लिए है, मैं आपको बता तो रही हूँ लेकिन उसे थोड़ा छोटा बता रही हूँ, लेकिन डिजाइन में आपको वही सेम ऊपर का डिजाइन में वही बताऊंगी, लेकिन नीचे वाला डिजाइन में इसमें चेंज कर दूंगी। उसके लिए मैंने ये थोड़े मोती लिए हैं, 10-15 मोती हैं बस ये, और थोड़े से मैंने वेल्स लिए हैं। ये देखिए 10 वेल्स है मेरे, इसमें ज्यादा वगैरह सामान कुछ नहीं लगता है। एक लाइटर जो हम आग से इनको जला के चिपका सके, और एक रिंग ली है मैंने। ये देखिए, इसमें एक रिंग की जरूरत पड़ती है, बाद में दो रिंग और लगेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने अभी एक रिंग बना के तैयार करी है। मैंने ऐसे ही इस पे जो मैंने आपको गांठ बता रखी है वही मैंने इस पे लगा के इसको तैयार कर लिया है। एक रिंग मेरी है, 2 इंच की रिंग है, जो मैंने ये रिंग लिया है 2 इंच की है, ठीक है। अब मैं इसको वायर को इनके अंदर डाल के, ये मेरे 12 वायर हैं जो मैंने ये वायर लिए है, मेरे 12 वायर है। ये मैंने 4 मीटर का एक वायर कट किया हुआ है, 4-4 मीटर के मेरे ये 12 वायर लिए हैं मैंने। एक ही कलर का बना रही हूँ, मैं इसे दो कलर नहीं दे रही हूँ, एक ही कलर के मैंने 12 वायर लिए हैं। अब मैं इन वायरों को इस रिंग के अंदर डालना बताऊंगी कि रिंग के अंदर डाल के फिर मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। अभी देखिए, मैं रिंग के अंदर वायर डालूंगी अपने 12 वायर। वायर हमें इस तरीके से डालने पड़ते हैं इसमें। ये देखिए 1 हो गया मेरा। अब मैं 4 मीटर का एक वायर है, ऐसे इसको बराबर पकड़ के वायर को, ये देखिए ऐसे वायर को पकड़ के, तब हम इसके अंदर ऐसे डाल के और इधर से निकाल देते हैं वायर को, फिर हमारा ये इसमें अटैच हो जाता है अच्छे से। ये देखिए, ऐसे ही मैं इसमें 12 वायर डाल के तैयार कर लूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैं वो डिजाइन किस तरीके से बनाऊंगी। फ्रेंड, ये मैंने इसमें 12 वायर डाल के तैयार कर ली है, 4-4 मीटर के मैंने इसमें 12 वायर। और जो मैं अपना डिजाइन बनाया था मैंने उसमें, वो काफी सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट आई है कि वो हमारी समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ये देखिए, 3 वायर मैंने इधर से लिए और 3 वायर मैंने इधर से लिए, ठीक है, 3 वायर इधर से और 3 इधर से। और ये जो वायर है ये हमारे बीच में ही रहेंगे, जो 6 वायर है ये बीच में ही रहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, 6 वायर मैंने बीच में है मेरे। अब इसको ऐसे पकड़ के इधर से और इस वायर को इधर से लेके आना है, ये देखिए इधर से, और ऐसे हम इसमें टाइट कर देंगे इसको इधर से, और फिर मैं इस वायर को इधर से निकाल के और इधर से निकाल दूंगी। ये देखिए, ऐसे मेरे ये एक गांठ बन के तैयार है। ये जो मेरे 6 वायर हैं ये नहीं मुझे छेड़ने हैं अभी, ये तो मुझे ऐसे ही रखने हैं, लेकिन 3 वायर इधर से और 3 इधर से इनको ही लेके चलना है मुझे, जितना बड़ा मुझे इधर डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ के इधर से और ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए इनको बराबर बराबर करके इस तरीके से मेरा ये वही डिजाइन बन के आ रहा है जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आपकी समझ में नहीं आ रही है वो, मैं वॉइस के साथ बता रही हूँ आपको। अभी देखिए, इस तरीके से, इस तरीके का मेरा वो डिजाइन है। ऐसे वायर को पकड़े, ये 6 वायर नहीं छेड़ने हमें, जो बीच में लिए है मैंने ये नहीं छेड़ने, इनको ऐसे निकाल के, गांठ मेरी वही है जो कि मैंने आपको सारी वीडियो में बता रखी है वायर वाली, और ऐसे ही निकाल के आप जितना इसे लॉन्ग करना चाहें इतना कर सकती हैं। ये देखिए ऐसे ही। अभी देखिए, मैंने इधर तक बना के तैयार कर लिया है, मैं इसे ज्यादा लॉन्ग नहीं बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा लॉन्ग बनाना चाहते हैं इधर तक तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये इधर तक ही बनाया है। अब मैं इसे इधर से बंद कर दूंगी, ऐसे वायर को पकड़ के, ऐसे पकड़ के, और एक धागा अलग से ले हम, ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमको ये टाइट बांध देना है इधर से, इस तरीके से ऐसे बराबर बराबर पकड़ के सफाई से, और इधर से मैं इसे लाइटर के साथ चिपका दूंगी पीछे की तरफ। देखिए फ्रेंड, मैं इसमें कुछ इस तरह का डिजाइन दूंगी, ये मेरा बेल वाला डिजाइन है, ये देखिए इस तरह का डिजाइन दे रही हूँ मैं इसमें।
अभी देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए मैंने इधर से चार वायर पकड़े, ये देखिए मेरे चार वायर हैं। ये दो वायर में ऐसे अंदर की तरफ रखूंगी और एक वायर में मैं इस तरीके से गांठ लगाऊंगी। पहले मुझे एक टाइट गांठ लगानी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने एक गांठ लगा के तैयार कर ली है। अब मैं जो अपना डिजाइन दे रही हूँ बेल वाला, इसमें वो मैं इस तरीके से दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके मुझे इधर से ये लूज रखना है, टाइट नहीं खींचना है मुझे। जैसे मैंने और वीडियो में बता रखा है ऐसे टाइट नहीं, ऐसे मुझे ये लूज रखना है। ऐसे ही मैं दूसरी गांठ लगाऊंगी अपनी। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही मैं लूज रखूंगी, इसे हल्का हल्का सा लूज रखना है मुझे ये। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा सा लूज रख के इसे हम जो मैं अपना बेल वाला डिजाइन दे रही हूँ इस तरीके से आएगा वो, थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के। अभी देखिए मैंने मोती डाल के तैयार कर लिया है। अब मैं मोती के जो मैं मोती डाला है मैं इसमें अब मैं गांठ लगाऊंगी, वो मुझे इसके बराबर ही लगानी है, उसमें मुझे गैप नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा ये मोती एक जगह सेट हो जाए। और फिर से मैं वही गैप दूंगी बेल वाला डिजाइन। ये देखिए ऐसे इधर से हल्का सा लूज रख के वायर को, और फिर हमें तब ही अपनी गांठ लगानी है इस तरीके से। अब ऐसे ही मैं इसमें लूज रखते हुए, जरूरी नहीं है इसमें हम फ्लावर वगैरह ही रखें, मनी प्लांट का पौधा होता है वो, उसे भी हम इसमें अच्छे से गमले में सेट करके तब रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही लूज रख छोड़ते हुए जाना है। अगर हमारा धागा खत्म हो जाए तो मैंने आपको ज्वाइंट करना बता रखा है लाइटर के साथ, हम इसमें फिर से धागा ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे ही मैं इन सबको बना के तैयार कर लूंगी इसी तरीके से, इसी बेल वाला डिजाइन ये वाला। जैसे जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही मैं इनको भी बना के तैयार कर लूंगी, थोड़ा लूज छोड़ के तब गांठ लगानी है। लूज छोड़ के इसी तरीके से हमें अपना दूसरा वाला मोती डालूंगी, जैसे कि मैंने इधर डाला है। अब मैं इधर भी एक और मोती डाल के फिर से मैं वही डिजाइन शुरू कर दूंगी जैसे मैंने इधर बनाया। अभी देखिए पहले मैं इसमें मोती डाल लूं, ये देखिए मोती डालूंगी मैं इसमें। ये मोती लिए हैं मैंने, ये मैंने पिंक कलर के मोती लिए हैं इधर से। देखिए फ्रेंड जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इस तरीके से बेल बनानी है, ऐसे ही मैंने ये बना के तैयार कर ली है। मैंने मोती डाला है इधर भी और इधर भी, इधर तक मैंने ये बना के तैयार कर ली है। अब ये मैंने रिंग है, रिंग के ऊपर मैंने धागा पहले से लपेटा हुआ है, मैंने इस पे गांठ से डिजाइन बनाया है। ये देखिए ये तो मेरी 2 इंच की रिंग है और ये मेरी 2.5 इंच की रिंग है, ठीक है। अब मैं इनको इसमें अटैच करूंगी, अपनी टोकरी बनाऊंगी। मैं किस तरीके से बनाऊंगी, देखिए छोटी वाली रिंग पहले मैं ये 2.5 इंच वाली रिंग लूंगी और इसको मैं इसमें अटैच करूंगी इस तरीके से। ये देखिए रिंग मैंने आपको अटैच करनी बता रखी है कि हम रिंग किस तरीके से अटैच करते हैं। ऐसे धागे को निकाल के, वायर को इस तरीके से निकाल के इसके अंदर से, और फिर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे टाइट सी, ताकि हमारा रिंग सेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से, और हमें ऐसे हमें अब मैं दूसरी वाली रिंग लूंगी, दूसरी वाली वायर। ये देखिए इसको भी मैं इसके अंदर से ऐसे ही निकालूंगी और ऐसे ही मैं अपने सारे वायर इसमें जो मेरे 6 बन चुके हैं, जो मेरे 12 थे ये, अब मेरे 6 बेल बन के ये मेरे 6 हो गए हैं। मैं 6 वायर इसमें इसी अनुसार से डाल के तैयार कर लूंगी। फिर मैं नीचे वाली रिंग डालूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं वो किस तरीके से डालूंगी। मैंने ये इधर तक बना के तैयार कर लिया। ये जो टोकरी जो मैं बना रही हूँ इसके नीचे फ्लावर पॉट, ये मैंने पहले तो इसमें 2.5 इंच की रिंग दी थी, लेकिन मैंने अब इसमें 5 इंच की रिंग दी है।
आप चाहे तो इसमें कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी दे सकती हैं, लेकिन मैंने इसकी जो मैंने ये बेल बनाई है उसमें वो सेट नहीं बैठ रही थी, इस वजह से मैंने इसमें 5 इंच की रिंग दी है। और ये जो नीचे वाला डिजाइन है, रिंग ऐसे ही डलेगी जैसे कि मैंने आपको वो रिंग डालनी बताई थी इधर। और ये डिजाइन मैंने इस तरीके से बनाया, 2 वायर मैंने इधर से ली और 2 इधर से, तब मैंने इसमें 1-2 वायर मैंने मोती डाले हैं और गांठ लगाई है। इसी तरीके से मेरी ये टोकरी बन के आई है। देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, देखिए 2 वायर मैंने इधर से लिए और 2 इधर से, इन 2 को ऐसे बीच में पकड़ के और तब हमें ये डिजाइन देना होता है जैसे कि मैंने ऊपर दिया था। ये देखिए इस तरीके से ऐसे 2 वायर इधर से पकड़ने हैं और 2 ही वायर इधर से पकड़ने हैं, तब हमें ये ऐसे लूज छोड़ते हुए ये मैंने अपना डिजाइन दिया है, जाली वाला डिजाइन दिया है मैंने ये। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही इधर 2 वायर इसमें से और 2 वायर इसमें से, आप चाहे तो इन 2 वायरों में मोती डलता है। ये देखिए 1 वायर इसमें से 1 वायर इसमें से लेके मोती डाल के तब भी हम गांठ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मोती इधर नहीं डाल रही हूँ, मैंने मोती बस ऊपर ही डाले हैं, ये मोती जो मैंने डाले हैं। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें रिंग डालूंगी, मैं वो भी बताऊंगी आपको रिंग के मैं किस तरीके से रिंग डालूंगी इसमें। मैंने इसमें रिंग इधर तक डाल के तैयार कर ली है, रिंग में इस तरीके से मैंने पहले वीडियो में बता रखा है रिंग किस तरीके से डालते हैं। ये देखिए 2 वायर ऐसे अंदर लेके और इधर से ऐसे गांठ लगा दे रही, बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको रिंग डालने का। रिंग 2 तरीके से डलती है वो भी मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं ये सारे वायर ऐसे पकड़ के इस तरीके से मैं सारे वायर पकड़ के और मैं 1 वायर इसी में से वायर लेना है, मुझे अलग से नहीं लेना है ऐसे, और मैं इसे टाइट बांध के इसे तैयार कर लूंगी और इसमें वेल्स भी डाल के इसमें तैयार कर लूंगी। वेल्स मैंने आपको बता रखा है कि 1 उसमें वेल्स डाल के और तब हम उसे लाइटर के साथ चिपका देते हैं, ऐसे ही हमारी वेल्स डलती है। इसको ऐसे ही लपेट के ये देखिए इस तरीके से अब लाइटर के साथ मैं इसे चिपका दूंगी। ये देखिए इधर तक, और जो मेरे एक्स्ट्रा वायर हैं जितने वायर मुझे रखना चाहती हूँ मैं इतने रखूंगी और बाकी के मैं कट कर दूंगी, और मैं इसमें वेल्स डाल के और ये वायर कट करके एक्स्ट्रा इसे तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा फ्लावर डोर हैंगिंग आपके सामने बन के तैयार है। मेरी कुछ फ्रेंडों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें वॉइस के साथ बताऊं, तो मैंने आपको बताया है। जैसे जैसे मैंने ये, आप इसे कितना भी लॉन्ग बना सकती हैं, मैंने इसे थोड़ा हल्का बनाया है तो आप इसे कितना भी लॉन्ग बना सकती हैं। इधर मैंने ये डिजाइन दिया है, आप कोई भी डिजाइन दे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये टोकरी बनाई है अपनी जिसमें मैं फ्लावर वगैरह रखूंगी। ये देखिए मैंने टोकरी इस तरीके से, मेरी ये टोकरी आई है बनके, और मैंने इसमें कुछ वेल्स भी अटैच कर दिए इसके अंदर। इसी प्रकार से मेरा ये फ्लावर डोर हैंगिंग आपके सामने बन के तैयार है। अगर वीडियो समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।